subscribe tag tv youtube channel and press the notification button tag tv uk talk show london dialogue and discourse every tuesday night 7 pm uk time ट्वेंटी सिक्स एलेवन मुंबई टेरर अटैक जिसमें 13 तेरह मुल्कों के लोग मारे गए और ये उसी तरह दिन याद किया जाता है जिस तरह नाइन अलेवन याद किया जाता है टेरर हिस्ट्री का एक बदतरीन दिन है नवंबर में ही हम इसकी अब बारहवीं एनिवर्सरी को याद कर रहे हैं और बारहवीं एनिवर्सरी को मैं मनाना नहीं कहना चाहता चूँकि इसमें मनाने वाली कोई बात नहीं बारहवीं एनिवर्सरी के मौका पर जो दुख भरी दास्तान है उसके साथ मैं अपनी जो कैफियत है वो शेयर कर रहा हूँ एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और नामी ग्रामी मुबसर जनाब आरिफ अजाकिया भाई यू के टॉक शो में आरिफ भाई बड़े ही दुख का ये महीना है जिस तरह नाइन अलेवन पूरी दुनिया में एक तरह से याद किया जाता है इसी तरह ट्वेंटी सिक्स भी याद किया जाता है क्या फीलिंग है इस महीना में आपकी देखा अच्छा थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई फॉर इनवाइटिंग मी आ, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी ऑन टेक टीवी आ, टेक टीवी की अपनी एक आवाज़ है जो कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को अनबायस्ड हो वो देखते हैं और प्रमोट करते हैं थैंक्स फॉर द टैक क्या अपनी आवाज़ को प्रमोट करते हैं देखें छब्बीस ग्यारह एक बहुत ही भयानक दिन था इंसानियत सोच दिन था और जिस तरह नाइन इलेवन को मनाया जाता है याद किया जाता है जिस तरह इंग्लैंड में सात जुलाई का वाक्य याद किया जाता है मेड्रिड में हुआ पूरी दुनिया में चीज़ें हुई बदकिस्मती से इंडिया के जो टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम है वो इंडिया है लेकिन उसको दुनिया उस नज़र से नहीं देखती मैं समझता हूँ कि ये एक बायस है कि जिसकी बुनियाद पर हम छब्बीस ग्यारह को तो दुनिया ऐसे याद नहीं करती हम साउथ एशिया के लोग बिल्कुल उसको याद करते हैं लेकिन भारत में आए दिन ये चीज़ें होती रहती हैं और इसको दुनिया वो अटेंशन नहीं देती जो कि देनी चाहिए आफ्टर ऑल भारत आ, सबसे बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का और ये तो एक इंसानियत सोज वाक़ था जिसमें टेररिस्टों ने इनडिसक्रमिनेटली लोगों को मारा है और उसमें कोई मजहब कोई नेशनलिटी को देखा नहीं किया था इंसान मर रहा था उसमें और इंसानों को मारा गया है ये एक पॉलिटिकल प्लॉय था और हमेशा की तरह इसमें इस्लाम बहुत बुरी तरह से यूज़ हुआ है मिस यूज़ हुआ है और कल्प्रिट इसमें मेरा मुल्क है मेरा देश पाकिस्तान इसका टोटल जिम्मेदार है और पाकिस्तान ने टेररिस्ट ट्रेन टेररिस्ट भेजे थे आईएसआई आई की निगरानी में ये सारा ऑपरेशन हुआ है और दुनिया को खाली इस दिन को मनाना नहीं चाहिए बल्कि इसके कल्प्रिट्स को ऐसे ही सज़ा देनी चाहिए जैसे अमेरिका ने 9 इलेवन के कल्प्रिट्स को अफगानिस्तान पे बमबारी करके और अलकायदा को क्रश करके किया था ऐसे पाकिस्तान में छुपे हुए इस टेररिज्म के मास्टर को पकड़ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लाना चाहिए अरे भाई आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में खुल के सारी बातें की और एक पूरा मंजरनामा भी पेश किया मैं वन बाई वन उन सब पे बात करना चाहूँगा मैं ये भी जानना चाहूँगा आपने कहा कि भारत के इस इतने भयानक दिन को इस वाक़े को दुनिया में उस तरह अटेंशन नहीं मिली क्या वजह है इसमें भारत की अपनी भी कोई कोताही या मुख्तलफ़ सरकारों की कि ये दुनिया की तोजो इतने भयानक मामले की तरफ नहीं हासिल कर सके या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बायस है आप क्या समझते हैं देखें मैं बड़ा एक सख्त लफ्ज है जो कि यूज़ करना चाहूँगा कि रेसिज्म एग्जिस्ट इसकी वाज मिसाल हमने देखी कि एक फ्रेंच टीचर जिसकी चमड़ी गोरी थी वो मारा जाता है तो पूरी दुनिया ने कंडेम किया हंगामा मचा लेकिन इसके बाद सिर्फ तीन चार दिन बाद मोजम्बिक में अफ्रीका में पचास गैर मुस्लिमों को मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पे फुटबॉल ग्राउंड में गर्दनें काट दी उसका मीडिया पे कहीं कोई जिक्र ही नहीं है तो ये रेसिज्म नहीं तो और क्या है कि भी एक इस्लाम के नाम पे एक आदमी मरा जिसपे पूरी दुनिया हिल जाती है लेकिन यहाँ पे पचास अफ्रीकन मारे जाते हैं वो भी इस्लाम के नाम पर तो उस पर कोई बोलता नहीं तो यही चीज भारत का है कि भारत के हवाले से भी दुनिया का बड़ा डबल स्टैंडर्ड है भारत की अपनी भी इसमें आपने जैसे अपने सवाल में बताया कि कमजोरियां हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत इज नॉट दैट एग्रेसिव जो पाकिस्तान है पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत अग्रेसिव है पाकिस्तान जब देखो भारत के दुनिया भर में सफारत खानों के सामने प्रोटेस्ट करता रहता है और उसमें पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी हज़ारों की तादाद में खड़ी होती है जैसे परसों यहाँ पे दिवाली के हवाले से जो जश्न मनाया जा रहा था तो उस पर मुसलमानों ने कश्मीर के नाम पे पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया हज़ारों खड़े हो जाते हैं लेकिन भारतीयों की ये बदकिस्मती है कि भारत अगर कोई प्रोटेस्ट करता भी है जैसे लास्ट ईयर इंग्लैंड में कुछ लोगों ने हिम्मत करके छब्बीस ग्यारह का प्रोटेस्ट किया तो 25 तीस इंडियन जमा हो सके जबकि एक मिलियन से ज्यादा इंडियन इंग्लैंड में भी रहता है तो ये भारत की एक डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कमजोरी है कि वो अपनी पब्लिक को भी मोबिलाइज नहीं कर सका और अग्रेसिव फॉरेन पॉलिटिक्स फॉरेन पॉलिसी की बहुत सख्त ज़रूरत है इस मामले में इंटरनेशनल कम्युनिटी का बायस है ये तो मैं मानता हूँ कि देखें इसको मैं अगर रेसिज्म कहूँगा तो वो कहेंगे भाई यार ये वो लेकिन बात ये है कि मैंने वाज मिसाल दी कि एक फ्रेंच मारा जाता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है और मैंने भी उसका गम मनाया था मैंने भी उसको कंडेम किया था कि आफ्टर ऑल एक आम आदमी बेचारा किसी और आ, किसी मतलब न, बिला वजह उसको मारा गया लेकिन मोजम्बिक में जो पचास मारे गए अफ्रीकन उसके ऊपर भी तो आवाज़ उठानी चाहिए उस पर तो किसी सदर ने वजीर आजम ने कोई बयान नहीं दिया कोई मीडिया पे ज़्यादा हंगामा हाँ, नहीं मचा यही चीज़ भारत के साथ होती है छब्बीस ग्यारह वो नॉट फर्स्ट टाइम के भारत पे अटैक हुआ है 93 में भी बॉम्बे में भी ब्लास्ट हुआ फिर आपके दिल्ली में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ कश्मीर में तो 20 साल से 25 साल से टेररिज्म जारी है कहाँ दुनिया उस पर बोलती है उल्टा पाकिस्तान की अग्रेसिव पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पे अक्सर भारत को टारगेट किया जाता है कि भारत की आर्मी वहाँ बैठी है और ये और वो है तो मैं समझता हूँ कि इसमें बायस भी है और भारत की कमज़ोर फ़ॉरन पॉलिसी भी है आपने बहुत सारी बातों को समप किया और बहुत अच्छे अंदाज़ में किया आपने बताया कि भारत की उस तरह की जो आ, मैं उसको कहूँगा आरिफ भाई नेरेटिव पॉलिसी क्योंकि नेरेटिव भारत का जो है वो दुनिया तक नहीं पहुँच पाता और पाकिस्तान अब तुर्की की मदद से और लेफ्टिस्टों की मदद से अपना नेरेटिव पहुंचाता है भारत का कोई इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया ही नज़र नहीं आता जो जिस तरह हम अलज़ीरा देखते हैं जिस तरह टर्किश वर्ल्ड उनकी न्यूज़ चैनल है तो क्या आपको लगता है कि एक तो डायस्पोरा थोड़ा सा आपको उतना एक्टिव नज़र नहीं आता लेकिन इसके साथ साथ नेरेटिव में कमी जो है जो बल्कि आप तारिक फता और दोस्त पूरी कर रहे हैं कि किस तरह भारतीय सरकार या बीजेपी की पार्टी या डायस्पोरा इस नेरेटिव की कमी को पूरा करे देखें इसमें सबसे बड़ा कसूर भारत के अपने सेक्युलरिज्म की पॉलिसी भी है क्योंकि भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब ये ले लिया गया है कि बाकी सब मजहबों को जैसे मुस्लिम हैं और दीगर मजाहब हैं उनका तो ख्याल किया जाए उनके इमोशंस का ख़्याल किया जाए लेकिन हिंदुओं को एक्सप्लोइट किया जाता है हिंदुओं का को कोई फेस्टिवल आता है तो उस पर भी एतराज़ा होते हैं क्या रहे, ये पोल्यूशन हो जाएगा ये होली आती है तो पानी का ज़ाया होता है लेकिन ईद पे गली गली में बकरा कट रहा होता है तो उस पर किसी एनिमल राइट वाले को ख्याल नहीं आता और बदकिस्मती से इसमें हिंदू सेक्युलरिस्ट का ज़्यादा रोल है ज़्यादा वो अपने ही मज़हब के लोगों के खिलाफ वो करते हैं इसमें बेसिक एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है भारत में अब जो सरकार चल रही है मोदी सरकार उन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ लाए हैं आज काफ़ी हिंदू अपने धर्म पे प्राउड फील करता है अपने धर्म के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी यूथ आगे आया है अवेयरनेस की एक पॉलिसी चली है लेकिन इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द करंट गवर्नमेंट आल्सो अभी इन्होंने छः साल में उतना काम कर दिया है जो सत्तर साल का बिगाड़ था देखिए फोर्टी सेवन में भारत का बंटवारा होता है और एक अलग देश मुसलमानों के लिए बनाया जाता है लेकिन जो बाकी भारत है उसमें भी उन्होंने 20 करोड़ मुसलमान रखे हुए हैं और 47 से एजुकेशन पॉलिसी मुसलमान चला रहा है पहला एजुकेशन मिनिस्टर भी मुसलमान था इसके बाद भी मुसलमान तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी रही है शुरू से अब आप उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे ना तो थोड़ा रेजिस्टेंस तो होगा लेकिन ऑल भारत को सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा एक कानून हर मुल्क में हम भी यहाँ पे एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं एक कानून है ये नहीं है कि मुसलमानों के अलग कानून है अब जैसे ट्रिपल तलाक इन्होंने हटाया है लेकिन अभी भारत की एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि एक हिंदू लड़की अगर किसी मुसलमान से शादी करती है तो वो उसकी जायदाद पर हकदार नहीं है लेकिन एक मुसलमान लड़की हिंदू से शादी करे तो वो उसकी जायदाद में बराबर हकदार है ये किस किस्म का डबल स्टैंडर्ड है डबल कानून है तो इनको कुछ स्टेप्स लेने होंगे अपनी एजुकेशन पॉलिसी को भी तब्दील करना होगा इसमें ग्लोरीफाई किया जाता है जो इन्वेडर्स हैं उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है लेकिन हिंदू जो राजा और पुराने जो इनके थे उनके बारे में कहीं इनको आपको हिस्ट्री में उनका जिक्र नहीं मिलेगा तो एजुकेशन पॉलिसी भारत को तब्दील करने की ज़रूरत है और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इनको लेजिस्लेशन करना होगा और एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए सबके लिए बराबर एक लॉ होना चाहिए यह नहीं है कि मुसलमानों के लिए अलग लॉ है हिंदुओं के अलग है सिखों के लिए अलग है आपने नरेटिव के हवाले से जो बेसिक तब्दीलियाँ हैं उसकी बात की अब मैं दोबारा वापस आता हूँ इसी तारीख दिन और जिसको इस महीने हम सब इसलिए याद कर रहे हैं कि ये वाक़ दोबारा ना हो। जब मैं आरफ भाई ये कहता हूँ कि इंसानियत की ये ख्वाहिश है कि इस तरह के टेर्रज़म के होलनाक वाक़ दोबारा ना हो लेकिन अभी पाकिस्तान से जो लिस्ट आई है जो इस वाक़े के पीछे लोग थे वो तो मोस्ट वांटेड लोगों में हैं ही नहीं बल्कि अलताफ़ हुसैन का नाम नंबर वन रख दिया गया है तो ये क्या सूरत हाल है देखें ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किए थे कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है और ये वो और उसमें जिन लोगों के नाम और तस्वीरें मैंने देखी हैं मैं उनमें से तो ज़ाहिर है मैं भी कराची का हूँ कराची के हवाले से उन लोगों को मैं जानता हूँ आम कारोबारी लोग हैं उनका तो एम एम या किसी पोलिटिकल उससे सेटअप से ताल्लुक़ ही नहीं है पकड़ के पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है जिसको देखो मिसिंग पर्सन की हज़ारों की लिस्ट है हज़ारों लोग इनके अकूबत खानों में रहते हैं और जिसको जब मर्जी आती है पेश कर दिया जाता है कि ये है जी हमने टेररिस्ट पकड़ा है असल जो टेररिस्ट हैं हाफिज सईद को ले लें लखवी को ले लें मसूद अजहर को ले लें वो तो फाइव स्टार लाइफ गुजार रहे हैं वो तो सरकारी प्रोटोकॉल में रहते हैं एफ ए टी एफ रो पीट रहा है कितने सालों से कि भाई ऊपर उनके उनके प्रोजिक्यूट करो तो एफ ए टी एफ में दिखाने दिखावे के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी अदालत में केस कर दिया जाता है फिर अदालत उनको खारिज कर देती है अभी आपको याद होगा लास्ट ईयर भारत ने पाकिस्तान में प्रियमटिव एयर स्ट्राइक्स की थी और बालाकोट में टेररिस्ट कैंप तबाह किए थे वो टेररिस्ट कैंप हाफिज सईद चला रहा था वो हाफिज़ सईद के टेररिस्ट कैंप थे ये दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सर आर्मी की सरपरस्ती में ये सारे टेररिस्ट वहाँ पे ऑपरेट करते हैं और इनके टेररिज्म की जो प्रोडक्ट है उसके लिए सबसे बड़ी मार्केट जो है ना वो इंडिया और अफग़ानिस्तान है तो वो इंडिया में भेजते हैं अपनी प्रोडक्ट को और उसके लिए फ्लरिश कर रहा है पाकिस्तान में टेररिज्म और ये अंडर द सुपरविजन डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आईएसआई एंड पाकिस्तानस आर्मी हो रहा है तो इसमें भी दुनिया का डबल स्टैंडर्ड नजर आता है कि आफ्टर ऑल हमें पता है बच्चे बच्चे को पता है कि ये पाकिस्तान नामी कंट्री वेस्ट ने अपने मफादात के लिए बनाया था और आज भी उसको नर्चर कर रहा है बगैर वेस्ट की बगैर अमेरिका के सपोर्ट के पाकिस्तान एक दिन नहीं चल सकता आप देख लेना कि अभी क्या हुआ परसों हुसैन रिजवी वो पूरा लश्कर लेके उसने इस्लामाबाद को ब्लॉक कर लिया कल आपका होम मिनिस्टर इन टेररिस्टों के साथ एग्रीमेंट साइन करता है कि आपके जितने लोगों ने टेररिज्म है इनको हम खुला छोड़ रहे हैं इनके ऊपर से केस खत्म कर रहे हैं और फ्रांस का सफीर हम तीन महीने के अंदर निकाल देंगे ये वो आप बिल्कुल सरेंडर कर रहे हैं टेररिस्टों के आगे पाकिस्तान इज अ पैराडाइज फॉर टेररिस्ट देखिए आपने कहा कि दुनिया जो है बैन कुआमी बरदरी जो है वो आ, एक तरह से आंखें बंद किए हुए हैं मगर इस ट्वेंटी सिक्स एलेवन के भयानक दिन के मौका पर तेरह मुल्कों के शहरी मारे गए 46 कंट्रीज के शहरी इंजर्ड हुए यानी एक इंटरनेशनल ट्रेजडी uh, थी ये कुछ सिर्फ भारत का ही मामला नहीं था तो क्या इस वाक्य पे दुनिया की आंखें नहीं खुलनी चाहिए बिल्कुल खुलनी चाहिए मैं अगेन ये कहूँगा कि इसमें कमजोरी भारत की डिप्लोमेसी की है मसला ये है कि 26 इलेवन 2008 को भारत में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार का फॉरेन सर्विस है ना वो मुसलमान चलाते थे और वो अपने ब्रादरों के खिलाफ कैसे ज़्यादा एग्रेसिवली चल सकते हैं तो अगर सही मानों में उस वक्त सरकार ने ऑपरेशन किया होता मनमोहन सिंह ने उस वक्त क्या ऐलान किया हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे ये तो इनकी हाल था वरना अगर मोदी सरकार होती उस वक्त तो इन्होंने घुसक मारना था पाकिस्तान को उस वक्त तो ये भारत की अपनी कमजोरी रही है अपीजमेंट की पॉलिसी रही है जो कि जिसकी वजह से आज हालात इस स्टेज पे आ गए हैं कि टेररिस्टों को खुल के काम करने का मौका मिल रहा है पाकिस्तान में और इसको कोई रोक नहीं सका जितना एग्रेसिव पाकिस्तान चल रहा है इतना ही अग्रेसिव अगर इंडिया चलता तो पाकिस्तान अब तक फारिग हो चुका होता लेकिन यहाँ पर होता यह है कि इतनी बड़ी ह्यूमेनिटेरियन ट्रे ट्रेजिडी हुई 1970, 69, 70 में 71 में बंगालियों के ऊपर तो भारत ने उनकी मदद करके इस पाकिस्तान को तो बांग्लादेश बना दिया लेकिन 93,000 जो पी ओ थे जो उनको तोहफे में वापस पाकिस्तान के हवाले कर दिया ये भारत का फर्ज नहीं था कि देखते है कि यार ये वापस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक डेवलप ना हो जाए उन 93 फौजियों ने क्या किया उनको बलोचिस्तान भेज दिया कि चलो भाई तुम तो इंसानों के मारने के काम है तुम्हारा जाओ बलोचों को मारो पा, पाकिस्तान ने अर्ली में में एयर बंबार्टमेंट कराई यही फौजी जो हथियार फेंक के आए थे एक प्रोफेशनल आर्मी के सामने वो वापस अपने सिविलियंस को मारने लगे और भारत में वही एक सरकार बैठी थी जो चुपचाप तमाशा देखती रही तो पाकिस्तान को आज जितना एग्रेसिव बना है उसमें भारत की सरकारों का पिछली सरकारों का बराबर किरदार है मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और मैं देख रहा हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी सबर का पैमाना लबरेज होता जा रहा है और आखिर को इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब ये फैसला करना होगा कि आया दुनिया में ये पाकिस्तान की टेररिस्ट आर्मी को मजद मौका देना चाहिए या अब इनको क्रश करना चाहिए और यूनाइटेड होके फ्री वर्ल्ड को इस टेररिस्ट आर्मी के खिलाफ आना होगा मैं अपना मेरा कोई मैं स्कॉलर नहीं हूँ लेकिन मैंने जो अभी तक स्टडी की है इतने सालों में मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड के उस स्टेज पे आ गया है कि ये रियासत है ना ये कोलेप्स कर जाएगी और बहुत जल्द कर जाएगी बलोच मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट स्टेज पे आ चुकी है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के पाप का घड़ा है ना वो अब इतना भर चुका है कि अब ये किसी वक्त भी फूट जाएगा आप ये सारी बातें कह रहे हैं मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने दो रोज़ पहले ही कहा कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है उनके बकौल फिर आई एस पी आर के डी जी ने अपने तौर पर प्रूफ देने की कोशिश की कि भारत इंटरनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो आप उनके इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं मैं क्या इनके इस नैरेटिव को नो बडी इज बाइंग इट अगर होता तो एफ ए टी एफ में भारत भी फिर ग्रे लिस्ट में होता ना इनके नैरेटिव को दुनिया को पता है कि ये बकवास कर रहे हैं बिल्कुल फेक न्यूज दे रहे हैं और कोई इसमें मतलब इनके पास वो चीज नहीं है देखें भारत आए दिन आपको नजर आएगा कि हर हफ्ते में एक दो वाक्यात होते हैं कि भारत में इन्फ्रेशन होती है और टेररिस्ट मारे जाते हैं और भारत सबूत के साथ रखता है कि ये देखें पाकिस्तानी नेशनल है ये देखें पाकिस्तान से आया है मुझे ये बता दें कि इनके पास एक भी इंडियन नहीं है जो ये साबित करने के लिए कि जिसने पाकिस्तान में जाके टेररिज्म की हो कलभूषण कलभूषण यादव है जो उसका नाम ये बार बार लेते हैं आ, ये जो बलोच है, कराची का जो टेररिस्ट है लियारी गैंगवार का वो कस्टडी में आई है के उसने अपने बयान में साफ कहा है कि मैंने ईरान से कुलभूषण यादव को अगवा किया था और आईएसआई के हवाले क्या था जिसको दुनिया के सामने आईएसआई पेश कर रही है कि ये देखें इंडियन एजेंट है जिसको हमने इधर से पकड़ा है जबकि उसको ईरान से अगवा करके लाया था उज़ैर बलोच जिसका रिकॉर्ड पर बयान मौजूद है और कुलभूषण यादव के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी फैसले दे दिए हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पाबंद किया है कि इसको फ्री ट्रायल दिया जाए इसको एक्सेस टू इट्स हिज़ एम्बेसी दिया जाए लेकिन पाकिस्तान नहीं दे रहा क्यों नहीं दे रहा अगर पाकिस्तान इतना ही सच्चा है और कुलभूषण यादव अगर इतना ही बड़ा टेररिस्ट है और आपके पास सबूत है तो दें उसको फ्री ट्रायल आपको दूध दूध का का और पानी का पानी हो जाएगा लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करने से कोई चीजें साबित नहीं होती साबित करने के लिए सबूत देने पड़ते हैं जो कि इनके पास नहीं है क्योंकि भारत अगर जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के जो ग्रास रूट इंडिपेंडेंस भारत ने शुरू कर दी ना जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर के टेररिस्टों की मदद कर रहा है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये आर्मी के दिन फिर पूरे हो जाएंगे लेकिन ये भी हमारी बदकिस्मती है कि भारत इन ग्रास रूट जेन्यून इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को नहीं मदद कर रहा भारत को चाहिए के खुल के जिस तरह पाकिस्तान कश्मीरी टेररिस्टों की जो कि इंडिया की एक टेरिटरी है जिसको एक्सेशन दिया था एक लीगल कस्टोडियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह और उनके मुस्लिम एडवाइज़र शेख अब्दुल्ला की मर्जी से शेख अब्दुल्ला खुद गए थे दिल्ली और नेहरू से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम भारत के साथ एक्सेशन करना चाहते हैं दिस इज़ ए लीगल पार्ट ऑफ इंडिया जिसपे पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है और धड़ल्ले से कहता है कि हम कश्मीरियों की हर लिहाज से मदद करेंगे सब कुछ करेंगे इसी लेवल पे जिस दिन भारत ने और सिंधु देश की मदद करनी शुरू कर दी ना तो पाकिस्तान विल बी ओनली पंजाब देन आप जो सूरत हाल बता रहे हैं वो बिलाशुबा बड़ी तश्सनाक है खुद जाती तौर पर जब आप पाकिस्तान रहते थे तो आप पाकिस्तान की सियासत में बहुत एक्टिव रहे आपको कोई इम्कान नज़र आता है कि आज के दिन जब पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट पर और पाकिस्तान के निज़ाम पर बैन अवी दबाव पड़ता चला जा रहा है और फिनेशियल क्राइसिस है शायद ये अपना नेरेटिव चेंज करें रीजन में जो प्रॉक्सी टेरिज़म है उसके रोल को ख़त्म करके पीस की तरफ़ आएँ आपको अपने ताती तजर्बा की बिना पर कोई इम्कान नज़र आता है नॉट एट ऑल मसला ये है कि ये पाकिस्तान की आर्मी की हैजे मनी है आर्मी किसी सूरत में यहाँ पर कंट्रोल नहीं छोड़ना चाह रही जितनी बड़ी कॉरपोरेशन हैं उस पर एक जनरल बैठा हुआ है चाहे वो वापडा है पी आई ए है सी पैक है पैमरा है जहाँ पे भी आप देखें एक जनरल को बिठाया हुआ है इमरान खान को लाया गया है इंटरनेशनल प्रेस की हेडलाइंस मौजूद हैं कि इमरान खान को ज़बरदस्ती लाया गया है ये आर्मी किसी सूरत अपनी पावर नहीं छोड़ना चाह रही ये दुनिया की सबसे करप्ट और सबसे बुजदिल आर्मी है और ये किसी सूरत अपना अपनी हैजमनी को नहीं तोड़ना चाह रही पाकिस्तान का नैरेटिव कैसे चेंज हो सकता है पाकिस्तान का नैरेटिव ट्रू डेमोक्रेसी आएगी तब चेंज होगा ट्रू डेमोक्रेसी आने का मतलब ये है कि ये आर्मी की हैज खत्म हो ये आर्मी ने 1970 के इलेक्शन को नहीं माना जब ट्रू नैरेटिव अगर वो मान जाते उस वक्त तो ईस्ट पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बन जाते पाकिस्तान एक रिफॉर्म सोसाइटी हो जाती पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म का खात्मा हो जाता और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिल डेवलपमेंट की तरफ जाते लेकिन आर्मी ने उस वक्त भी अपनी हैजमनी कायम रखनी चाहिए मुल्क भले टूट जाए तो आज भी यही होगा कि ये आखिर में पंजाब पे अपना रूल कायम रखते हुए मुल्क का बाकी तोड़ने पर तैयार हो जाएंगे और ये होना है पाकिस्तान ने डिसमेंबर होना है ये एक आर्टिफिशियल फैब्रिकेटेड कंट्री है जो जबरदस्ती कुछ डिजाइन के तौर पर बनाया गया था एक कोल्ड वॉर का जमाना था पाकिस्तान उस वक्त इन्होंने वेस्ट ने अपने मफाद के लिए बनाया था आज कोल्ड वॉर खत्म हो गई है कम्युनिज्म खत्म हो गया है अब जिहादियों जिहादिज्म है ना वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है तो बहुत जल्द वक्त आने वाला है कि अमेरिका यूरोप और इंडिया मिल पाकिस्तान का डिसमेंबर करवाएंगे और उसमें चाइना के लिए भी आप देखें चाइना मजबूरी में पाकिस्तान का साथ दे जा रहा है लेकिन अब चाइना ने भी हाथ खींचना शुरू कर दिया है क्योंकि चाइना अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है उसने देख लिया है कि ये जिहादिज्म नॉट गुड फॉर एनी वेयर तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगा मेरा अपना नजरिया ये है कि इस आर्मी ने चीजों को इस स्टेज पे पहुंचा दिया है वरना आप ये देखें कि जितना रिटायर्ड जनरल है वो यूरोप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में बैठा हुआ है आप कनाडा में रहते हैं आपके कैनेडा में ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पे सारे जनरलों के बंगले हैं ये तो हाल है अगर इनको पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नजर आता तो ये लोग क्यों निकलते हैं दुनिया की एक आर्मी का चीफ बता दें जो किसी दूसरे देश के लिए काम करता हो लेकिन आपकी आर्मी का चीफ राहल शरीफ सऊदी अरब में शुर्ता बना हुआ है आपकी आईएसआई का एक्स दुबई में शुर्ता बना हुआ है एक्स शाह शुजा पाशा ले लें जहिर इस्लाम ले लें किनि ऑस्ट्रेलिया में बैठा है मुशर्रफ दुबई में बैठा है मतलब कोई एक तो बता दें जनरल जो रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में अगर जन्नत है पाकिस्तान और पाकिस्तान का फ्यूचर इतना अगर ब्राइट है तो मैं समझता हूँ कि इन आर्मी के जनरल्स इवन करंट आर्मी में भी आप देख लें ये जो बाजवा है पापा जॉन्स वाला उसके बच्चे अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं सबके बच्चे बाहर से हटे हैं इवन गफूरा जैसा दो टके का फौजी उसके तीनों बच्चे यूरोप और अमेरिका में पढ़ रहे हैं तो इन लोगों को खुद को पता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ भी नहीं है देखिए आपने कहा कि जिस तरह के हालात हैं, इसमें पाकिस्तान का डिसमेंबर हो जाना नेचुरल है लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी डिसमेंबर नाइनटीन में हो गया था जब इतना बड़ा देश था आधा हो गया तो उसके बाद भी उनके तरीके तो नहीं बदले अगर अब भी ये और कोई डिसमेंबरमेंट हो के पंजाब बनता है पाकिस्तान का एक देश तो फिर उनके भी तरीके यही रहेंगे तो कैसे फिर ये अपने लोगों को डील करेंगे और दुनिया इनको कैसे डील करेगी? पंजाब तो कंगला है पंजाब के पास गंदम के अलावा कुछ भी नहीं है पंजाब तो सिंध और बलोचिस्तान के रिसोर्सेज पे पनप रहा है देखें अभी आपने परसों देखा होगा मानसेरा मीरान शाह में पी के जलसे में लाखों लोग थे पखतून शुरू से पहले ए एन पी बाचा खान के साथ था और अब पी टी एम के साथ है पख्तून को पता है कि हमारा फ्यूचर ये ड्यूर लाइन का खात्मा है ग्रेटर अफग़ानिस्तान इनका फ्यूचर है पखतून किसी सूरत पंजाब के साथ रहने को तैयार नहीं है ये राइटिंग ऑन द वॉल है सिंध सिंध और बलोचिस्तान रिसोर्स से माला माले जिस जिनके रिसोर्सिस को एक्सप्लॉयट करके पंजाब पनप रहा है इलेक्ट्रिसिटी कश्मीर से आ रही है गैस सिंध और पंजाब बलूचिस्तान से आ रही है पोर्ट कराची का यूज हो रहा है नेशनल एक्सचे कर को सेवेंटी परसेंट सिंध दे रहा है और डेवलपमेंट हो रही है पंजाब में लाहौर जिस का पूरे लाहौर का टैक्स रिटर्न कराची की एक मार्केट से कम है एक छोटी सी मार्केट मार्केट से करा लाहौर का लिया टूटी फूटी बसे है लाहौर में पहले मेट्रो बस लगाई गई अब ऑरेंज ट्रेन चलाई गई लाहौर का तो अपना पैसा है नहीं तो ये अब तक जो सर्वाइव कर रहे हैं ना पंजाब यह सिंध और बलोचिस्तान के पैसे तय पै कर रहा है जिस दिन सिंध बलोचिस्तान केपी के अपने रास्ते पर निकल गए तो पंजाब तो भिकारी है पंजाब के पास तो खाने को नहीं होगा इनके पास तो लैंड लॉक कंट्री है बिजनेस कहाँ से करेंगे ये एक तरफ इंडिया है दूसरी तरफ पख्तून जो कि भरे पड़े हैं इनको पता है कि पंजाबियों ने इनको पूरी दुनिया में टेररिस्ट के नाम पे बदनाम किया है और सबसे ज्यादा तबाही भी हम अफगानियों को और पख्तूनों को मिली है पाकिस्तान में मुशर्रफ के दौर में पख्तून ए बेल्ट के ऊपर रोजाना ही धमाके हो रहे थे रोज़ाना ही बंदे मारे जा रहे थे हज़ारों पख्तूनों को पकड़ पकड़ के अमेरिका का गंतन मुबे भर दिया तो पख्तून रेजनमेंट अपनी जगह सिंधी सबसे ज़्यादा नफरत पंजाबियों से करता है बलोच सबसे ज़्यादा नफरत पंजाबियों से करता है तो जब ये आज़ाद हो जाएंगे तो ये पंजाबियों से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे हिंदुस्तान ऑलरेडी पंजाब की दुश्मनी है तो फिर पंजाब के लिए बड़ा मसला हो जाएगा ये पंजाब चाइना की एक कॉलोनी बन के रह जाएगा और इनकी आर्मी हमारे बजट पे चल रही है इनके पास फिर बजट ही नहीं होगा तो ये क्या कुछ कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि पंजाब फिर किसी काबिल नहीं रहेगा आखिर में मैं फिर वही जो जिस दिन की हम याद मना रहे हैं एक तरह से मनाना तो लफज़ ज़रा थोड़ा सा ओवरलोडेड मुझे लगता है याद कर रहे हैं देखिए उसमें एक और भी पहलू था कि जूस सेंटर था उसको टारगेट खास तौर पर बनाया गया जो टेररिस्ट आए थे पाकिस्तान से वो तो भारत को नुकसान पहुँचाने आए थे ना मगर ये क्या माइंड सेट था कि हमने जूस सेंटर को भी बर्बाद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारने हैं और आज पाकिस्तान में ये र्यूमर्स चल रही हैं कि शायद इसराइल को तस्लीम कर लें तो क्या आपको माइंड सेट एंटी जूस जो इतना खौफनाक है क्यों है देखिये इनको अपना मजहबी चूरन है ना ये इन्होंने शुरू से चलाया है और मज़हबी चूरन एंटी हनूद यहूद शुरू में हमसे शुरू से हम सुनते आए हैं अफगानिस्तान में इस्लाम का जिहाद हो रहा है लड़ कौन रहा है सी आई क्रिश्चियन क्रिश्चन क्रिश्चन की सुपरविजन में आप इस्लामिक जिहाद कर रहे हैं तो ये मजहबी चूरन बेचा जाता है देखे ये जो इसराइल का मसला है ना सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि नाइनटीन फोर्टी सेवन में एक देश बनता है इस मजहब के नाम पे वो है पाकिस्तान फिर नाइनटीन में दूसरा देश बनता है मज़हब के नाम पे वो है इसराइल तो अगर हम इसराइल को ग़लत समझते हैं तो फिर पाकिस्तान कैसे सही हो सकता है जबकि इसराइल मुसलमानों के वजूद से पहले से यहूदी वहाँ पे आबाद थे ये हज़रत दाऊद असलम की सरजमीन है यह हजरत सलमान सलाम की सरजमीन है जो कि यहूदियों के, के नबी थे हमारे भी नबी हैं लेकिन यहूदियों के लिए वो ज़्यादा मतबर थे वो उनकी जमीन है बैतलमस जो कि हमारा किबला अव्वल था लेकिन ये इनका तो किबला ही किबला था हमने तो उसको बदल दिया अपना किबला तो हमारा इसराइल को एक्सेप्ट ना करना इलॉजिकल था टोटल इलॉजिकल था और है अब जो सूरत हाल आई है उसमें धड़ाधड़ सारे अरब कंट्रीज असल मसला तो अरब और यहूदियों का था और ये सदियों से चला आ रहा है कि हज़रत इब्राहिम की दो बीवियां सारा और हाजरा उनके दो बच्चे हजरत इसाक और हजरत उनके दरमियान के दरमियान ये एक शुरू से जंग चली आ रही थी प्योर अरब यहूदी मसला है ये, आ, ये इसमें कहीं मजहब का मसला नहीं है ये एथनिक मसला है एक तरह से लेकिन पाकिस्तान जबरदस्ती का मामा बना हुआ है इसमें अब सारे अरब अपना मसला सॉल्व कर रहे हैं वो धड़ाधड़ इसराइल को कबूल कर रहे हैं इवन सूडान जैसा एक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क कबूल कर लेता है इसराइल को हम कह रहे हैं नहीं तो अब पाकिस्तान के अशराफिया को ये समझ में आ रहा है कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इसराइल को कबूल कर लें तो हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी भारत में इन्होंने जो टारगेट किया था जूस सेंटर को और जूस कम्युनिटी को देखें भारत कि जो कांग्रेस सरकार थी ना वो कभी भी इसराइल को कबूल नहीं करती थी लेकिन दर परदा ताल्लुक थे ये पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार ने आके ओपनली उन ताल्लुकात का प्रचार कर दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया जो कि वेरी गुड फॉर भारत इन्होंने उसको जिद पहुंचानी थी उन्होंने इसको नुकसान पहुंचाना था मुंबई है ना वो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है इकोनॉमिक कैपिटल है उसको इन्होंने टारगेट परपजफुली किया था और ताजमहल होटल जो थी आ, उसमें आ, फाइव स्टार होटल थी पूरी दुनिया का टूरिस्ट और बिजनेसमैन वहां पे आता था एक पूरे प्लानिंग के साथ उन सेंटर्स को उन कमर्शियल हब्स को टारगेट किया गया ताकि एक तो भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाए और दूसरा जो फॉरेनर भारत में आता है वो डर जाए लेकिन ऐसा हो नहीं सका ये एक वाक़ हुआ लेकिन इसके बाद भारत ने उसको ऐसा इतनी सख्ती की है कि पाकिस्तान कोशिश के बावजूद इतने बड़े लेवल पे कोई टेररिज्म नहीं कर सका लास्ट ईयर पुलवामा पुलवामा में एक फ़ौजी कॉन्वॉय के ऊपर उन्होंने अटैक किया और इस तरह के आइसोलेटेड केसेस तो चल ही रहे हैं भारत में लेकिन स्टिल वो ट्वेंटी सिक्स इलेवन की जो ग्रेविटी थी जो उस लेवल पर ये चीज़ें ना कर सके और ये अब कर भी नहीं सकेंगे कोशिश तो पाकिस्तान करता रहेगा लेकिन ये जो यहूद वनूद का जो अलायंस है ना वो पाकिस्तान को शुरू से खटक रहा है और ये पाकिस्तान को ले डूबेगा ये जो जेलसी कह लें इसको या ये जो जलन कह लें ये ले डूबेगा हमें हमारे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हम दूसरों से बरतर हैं खाली हम जन्नत में जाएंगे हम करेक्ट हैं ये चीज़ हमें ले डूबेगी जबकि हमारी औकात यह है कि हम एक सुई तक नहीं बना सक रहे हमारी औकात यह है कि हम कोरोना से मर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह काफिर जल्दी से जल्दी हमें वैक्सीन बना कर दे ताकि हमारी ज़िंदगी बचे बहुत आखिर में आरिफ भाई जो कोई ऐसी बात आप समझते हैं कि हम मिस कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आपकी फीलिंग्स जज्बात जुड़े हुए हैं ट्वेंटी सिक्स एलेवन के उस बहुत ही तरीक दिन को याद करते हुए वो ज़रूर हमारे व्यूज़ के साथ शेयर कीजिए मैं यहाँ पे भारत के जो लोग हैं उनको ख़ास तौर पे एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखें ये एक दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब है सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है बाकी जो पुरानी सिविलाइजेशन है माया सिविलाइजेशन इजिप्ट सिविलाइजेशन इंका सिविलाइजेशन ये सब ख़त्म हो चुकी हैं ये एक सच्ची तहजीब है जो जिंदा है और फ्लरिश कर रही है वो मंदिर जिसको सोमनाथ का मंदिर जिसको महमूद गजनवी आके तबाह करता रहा ये अयोध्या का मंदिर जिसको तबाह करके बाबर ने मस्जिद बनाई आज आप देख लें किस शान से खड़े हैं वहाँ पे पूजा होती है यह आपके धर्म की सच्चाई है आपके देश की सच्चाई है ये देश की हिफाजत करना खाली भारत की सेना का काम नहीं है ये देश की हिफाजत करना खाली मोदी सरकार का काम नहीं है ये एक एक भारती को आगे बढ़ के अपने देश को ऑन करना होगा और अपने देश की हिफाजत करनी होगी हिफाजत करने का मतलब ये नहीं है कि कोई कह रहा है कि आप तलवार लेके चलें निकल पढ़ें आपको आवाज़ उठा होगी आपको आपके देश के दुश्मनों को एक्सपोज करना होगा आप दुनिया में जहां भी रह रहे हैं आप दूसरों को बताएं कि आपके देश के साथ क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं यह आपका फर्ज है ये नहीं है कि मैं एन आर आई हूं यहां पर डायरेक्टर लगा हुआ हूं मेरा काम नहीं है यह ये ये भारत की डिप्लोमेटिक कोर का, का, का काम है यह भारत की सेना का, का काम है नहीं भाई ये हर भारतीय शहरी का काम है कि वो अपने देश को फ्लरिश करे ये भारत आज की जो ज्योग्राफिकल भारत है खाली उसका देश नहीं है ये पूरे साउथ एशिया का मदर कंट्री है मात्र देश है इसकी हिफाजत करें ये सबके लिए भला है ये सिविलाइजेशंस की मदर है ये ब्यूटीफुल कंट्री है इसको बचाएं इसकी आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज की हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ बहुत बहुत शुक्रिया जाके भाई आपने वक्त दिया टैग टी और मैं जाती तौर पर हमेशा आपके ममनून रहते हैं कि आप हमें वक्त देते रहते हैं और आप... अपनी फैमिली समझ के मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं टैक टीवी पे आता हूँ और आपने मुझे आ, आज से नहीं कई सालों से मुझे मौका देते रहे अपने प्रचार का थैंक यू वेरी मच भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई और बातचीत आपसे होती रहेगी व्यूज हम बातचीत कर रहे थे नामी गनामी मुबसर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जनाब आरिफ अजाकिया भाई से और उन्होंने खुलकर ट्वेंटी सिक्स एलेवन के सानहे को याद करते हुए अपने ख्याल जज्बात से हमें आगाह किया आज का यूके टॉक शो ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया टेक टीवी यूके टॉक शो लंदन डायलॉग एंड डिस्कोर्स एवरी ट्यूसडे नाइट 7 पीएम यूके टाइम